बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बाजार शास्त्र में। मैं हूं प्रियंका उप्पल आनंद। हम बाजार शास्त्र में कई बार कहते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर को फॉलो करें। बाजार के इंटेलिजेंट लोग बाजार की आने वाली कल आने वाली स्थिति को पहले से ही भाप लेते हैं। ये स्मार्ट इन्वेस्टर या फिर ये स्मार्ट ट्रेडर आखिर होते कौन है, क्या डेफिनेशन है इसकी, जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे शो के एक्सपर्ट सुनील मिगलानी बने हुए हैं, जिन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट सिखाया, आगे भी समझ लेते हैं। सुनील, स्मार्ट इन्वेस्टर की बात आप कई बार कर चुके हैं, ये एक्चुअली स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट ट्रेडर, ट्रेड्स आप बता चुके हैं हमें कि वो करते क्या क्या हैं, ये एक्चुअली होते कौन है, ये कहाँ से आते हैं? ये देखिए, इंसान ही होते, जानवर नहीं होते, और ऊपर से उतर के नहीं आते हैं, सब यहीं सीखते हैं जी। पहली चीज तो ये समझ लीजिए आप। दूसरी चीज कि उनके काम करने का तरीका ही अलग होता है, राइट। वो भी हम जैसे इंसान है, काम करने का तरीका अलग, और वो तरीका क्या है, वो चीजों को जो दिख रही हैं उनसे आगे देखने की उनमें एक क्षमता होती है जो दिख रही है। स्मार्ट आदमी कौन होता है, जो आपके सामने एक दिखाया जा रही है चीज, उसके पीछे आप छुपी हुई चीजों को देख ले। यानी एक अगर सिक्का है तो वो सिर्फ एक साइड नहीं देख रहे हैं, दूसरी साइड भी सिक्के की देख रहे हैं। एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। एक आदमी था, वो अपने घर में अपने सारे सामान को उलट पुलट रहा था इधर उधर। उसका वाइफ आई, उसने बोला आप क्या कर रहे हैं? बोला मैं हमारे घर में ना कहीं कैमरा लगा हुआ है, वो ढूंढ रहा हूँ। बोले कैमरा हमारे घर में कहाँ से कैमरा आया? बोला नहीं हमारे घर में कैमरा है। आपको किसने बोला? कह रहा देखो मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ, ये बार बार बोल रहा है आप देख रहे हैं जी टीवी, आप देख रहे हैं जी टीवी, इसको कैसे पता मैं जी टीवी देख रहा हूँ? दैट्स टू फनी। देखिए आपको फनी लग रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है, हम उस राज की बात करेंगे। वो आपको दिखा रहा है आप देख रहे हैं जी टीवी, तो आपको लग रहा है उसको कैसे पता मैं जी टीवी देख रहा हूं? वही तो आपको दिखा रहा है, वही दिखा रहा है आपको, तो उसको तो पता है ना ये बात। मार्केट भी आपके साथ वही करती है। आप मार्केट में जाके बैठते हैं, ट्रेड हो रहा है, मार्केट आपको दिखा रही है, देखिए आप देख रहे हैं बहुत तेजी, आप देख रहे हैं बहुत तेजी, आप देख रहे हैं बहुत तेजी, और आप तेजी में आ जाते हैं। जबकि और आप सोचते हैं सिर्फ आप ही को पता ही है, लेकिन मार्केट आपको वही दिखा रही है, टेलीकास्ट वहीं से हो रहा है, एक्चुअली टेलीकास्ट मार्केट कर रही है, मार्केट को पता है वो आपको क्या दिखा रही है। तो मार्केट कभी भी तेजी 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 दिखाती है, और जैसे आप लेते हैं वैसे स्टॉक नीचे, क्योंकि आप वो समझ नहीं पाते, वो आपको दिखाया जा रहा है लेकिन उसके पीछे कुछ और छुपा है। यानी मैं लगातार कंटिन्यूअसली एक चीज को देख रहा हूँ, सब एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं, सब जगह सुन रहा हूँ, आसपास जो विस्पर्स हो रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि बाजार में तेजी है, बाजार में तेजी, बाजार ऊपर जाएगा, और मैं उस अकॉर्डिंग ट्रेड भी लेता और भाव भी बोल रहा है, और भाव भी बोल रहा है, प्राइस भी आपका बोल रहा है, प्राइस भी बोल रहा है, लेकिन प्राइस वही बोल रहा है जो वो बोलना चाह रहा है, वो आपको वही सुनाना चाह रहा है जो वो सुनाना चाह रहा है कि आप सुनो। अब यहां पर ना एक प्रियंका जी बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है हमारी। एग्जैक्टली, क्योंकि आप कहते हो कि प्राइस बिहेवियर को देखिए, प्राइस भगवान छे उसको देखिए, प्राइस को देखिए, और अब आप कह रहे हो कि प्राइस आपको दिखा रहा है, यानी प्राइस एक्चुअली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बोल रहा हूँ आपको, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है हमारी खुद की। एक तरफ तो हम बोल रहे हैं आप भाव को नोट कीजिए, भाव जो बोल रहा है सच बोल रहा है, भाव को फॉलो कीजिए, दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं भाव जो आपको बोल रहा है वो सही नहीं बोल रहा, वो कुछ और बोल रहा है। कई बार क्या होता है, भाव बहुत ज्यादा चीख चीख के एक चीज को कहता है, राइट। यानी उसको सिनेरियो को अगर समझने की प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझे, कि यानी अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक या फिर कभी पर्टिकुलरली मार्केट के सेंस में कहा जा रहा होता है, एक्सपर्ट्स भी कह रहे होते हैं, फॉरेन ब्रोकिंग फर्म्स की तरफ से रिपोर्ट्स भी जारी हो रही होती है, शायद उस सिनेरियो में एक छलावा जैसी सिचुएशन में छलावा ट्रैप बन जाती है, और भाव भी साथ में बोल रहा हो। देखिए तेजी का सिनेरियो अगर सब जगह से बनाया जाएगा, भाव भी बनाएगा, भाव झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, उसका सबसे बड़ा पहचान जो है वो ये है कि भाव को कभी भी जोर से नहीं बोलनी चाहिए वो चीज़। अगर भाव बहुत जोर से बोल रहा है, ITC 100 रुपये का 300 रुपये आ गया, कभी जोर से बोला भाव? कभी भी नहीं बोला। मार्केट 4500 से 5800 आ गया, आज तक लोग शक में है, अभी भी आज तक शक में है लोग के, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, जोर से नहीं बोला अभी तक। जिस दिन भाव जोर से बोल गया ना कि यस तेजी आ गई, आप समझिए वो ट्रैप है कुछ ना कुछ, इसका मतलब वो भाव वो नहीं है जो वो है। स्मार्ट आदमी वो होते हैं जो कि उन छुपी हुई चीजों को देख लेते हैं, पीछे जो दिखाया जा रहा है उसके अलावा पीछे जो छुपा है उसके, और जो छुपाया जा रहा है इसी सिनेरियो में, क्योंकि आप खुद भी मान रहे हो कि कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, यानी प्राइस को तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन प्राइस को फॉलो करने के साथ साथ सिनेरियोस को भी समझना है, प्राइस को कहीं इन्फ्लेटेड तो नहीं किया जा रहा। उसी की तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, वही साइकोलॉजी तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इतना ही सिंपल है कि प्राइस ऊपर जा रहा है और आप उसे बाय कर लीजिए, नीचे आ रहा है उसको सेल कर दीजिए, फिर तो जरूरत ही नहीं किसी चीज की।
साइकोलॉजी समझनी है उसके पीछे की, कि बाकी सिनेरियोस क्या हैं। और लोग ना पता है होता क्या है, हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, लोग अपना बहुत सारा टाइम ना बहुत सारी बेकार की एनालिसिस करने में वेस्ट कर देते हैं। एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं यहाँ पे आपको, छोटा सा। एक बार एक साधु सन्यासी था, उस साधु सन्यासी के पास एक आदमी आया, उसने पूछा आप कितने समय से अपना जो तपस्या वगैरह कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे 40 साल हो गए तपस्या करते हुए। इस 40 साल में आपने क्या पाया? देखा मैंने बहुत कुछ पाया है। नहीं फिर भी कुछ बताने के लिए क्या पाया आपने? कह रहा ये सारे जो नदी देख रहे हो आप, पर हाँ, कह रहा इस नदी पर मैं यहाँ से चल के वहाँ और वहाँ से चल के यहाँ आ सकता हूँ, पानी के ऊपर चल सकता हूँ मैं। देखा अच्छा ठीक है, इसके अलावा कुछ और पाया हो? कह रहा ये कम है क्या, कोई भी नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। वो कहता है वो ठीक है, आपने कहा वो बहुत है, ये नाव खड़ी है सामने, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, ये भी आ जाती है, एक रुपये जाने का लगता है, एक रुपये आने का लगता है, यानी कि 40 साल में आपने जो कमाया है वो 2 रुपये में कोई भी ले सकता है। राइट समझे आप, इस बाजार में भी लोग यही करते अपनी हैं, वेस्ट की नॉलेज को इकट्ठा करने में सारी जिंदगी वेस्ट कर देते हैं। राइट, यानी सब कुछ आपको सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट और कंक्रीट सीखने की जरूरत। कंक्रीट सीखिए, सीधी सीधी जो काम आ सके वो चीज सीखिए ना। आप सोचते हैं मैं ये भी सीख जाऊं, वो भी सीख जाऊं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, अरे उससे हासिल क्या होने वाला है? बॉटम लाइन क्या है? प्रॉफिट बनाना है। बॉटम लाइन क्या है? पैसा आना चाहिए। बॉटम लाइन क्या है? मुनाफा कमाना है हमें। मुनाफा कमाने के लिए जो चीजें चाहिए वही जरूरत है, बाकी हटाइए सब, कोई जरूरत नहीं किसी चीज की। यानी दोनों साइकोलॉजी को आपको समझना होगा। कोशिश हमारी बाजार शास्त्र में यही रहती है कि उन कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाए जो आपको नेट पे नहीं मिलेंगे, किसी बुक पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सेंटिमेंट्स है, ये साइकोलॉजी है बाजार की, जिसको समझना पड़ेगा विद डीप नॉलेज ओनली और मे बी जस्ट विद द गुड डिस्कशन और ओपन माइंड। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होंगे और कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। अपने व्यूवर्स को याद दिला दें, bazaarshastra@znetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। जल्द वापस हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब चलिए जान लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जो सुनते तो हम रोज हैं लेकिन उनके मतलब हमें नहीं पता होते। सुनील, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो खैर बहुत बार व्यूअर्स सुन चुके हैं कि फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर में कैसे ट्रेड किया जाता है? ट्रेड देखिए फ्यूचर में जैसे कैश में किया जाता है वैसे किया जाता है, फ्यूचर कोई अलग नहीं, फ्यूचर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है एक। राइट, आपको एक महीने का एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसमें आपको काम करना होता है, एक लॉट साइज फिक्स होता है, आप उसमें एक शेयर, दो शेयर लेना चाहें, 10 शेयर लेना चाहें, आप नहीं ले सकते। Right. आपको एक फिक्स शेयर लेने होते हैं, 200, 250, 125 जो भी है, और उसके अगेंस्ट में आपको कुछ मार्जिन मनी देना पड़ता है, पूरा अमाउंट देने का जरूरत नहीं होता है, वो 25%, 30% आपको देना होता है और एक महीने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट के आप मालिक हो जाते हैं। Right. उसमें लॉस या प्रॉफिट आपका होता है, तो उसको कैश जैसे ही ट्रीटमेंट दिया जाता है लेकिन उसमें साइज थोड़ा बड़ा होता है। यानी मार्जिन आप जो बात कर रहे हैं, मार्जिन सिर्फ यूएस को एक बार फिर बता दें कि मार्जिन सिर्फ एक पर्टिकुलर परसेंटेज होती है आपकी टोटल ट्रेड का, आपको पूरा कीमत नहीं अदा करनी है, आपके लॉट साइज की जो टोटल परचेज आपको होगी। पूरी कीमत नहीं देनी होती, आपको उसका कुछ पार्ट देना होता है, 25%, 30% कुछ पार्ट देना होता है, उस पार्ट के एवज में आप उस पूरे लॉट के मालिक हो जाते हैं उस एक महीने के लिए। राइट, सिर्फ एक महीने के लिए। आपको रोल ओवर करना पड़ता है, आपको रोल ओवर करना पड़ता है अगर आप आगे लेके जाना चाहते हैं तो, नहीं तो आपको 20-25% रहता है। इसमें कई बार लोग ट्रैप इसलिए होते हैं, फंसते इसलिए कि वो सोचते हैं कि हाँ इस 25% ही तो देना है हमारे को, लेकिन आप सोचिए आप पूरे लॉट के मालिक हैं, उसमें लॉस होएगा तो वो आप ही का होने वाला है पूरा लॉट। राइट, अगर आपने 250 शेयर लिया, 1000 शेयर लिया किसी स्टॉक का, तो उसका लॉस आप ही का है, चाहे आपने पैसे नहीं दिए उसके लेकिन लॉस कट जाएगा। राइट, क्योंकि अभी आप जेब से सिर्फ मार्जिन दे रहे हो लेकिन लॉस पूरा एब्सोल्यूट टर्म्स में देना पड़ेगा। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। राइट, ऐसे एक शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट भी होता है, शॉर्ट करना है, कई लोग कहते हैं कि शॉर्ट कर दीजिए इसको। शॉर्ट सेलिंग देखिए फ्यूचर में कर सकते हैं अगर आप उसको कैरी करना चाहते हैं, इंट्राडे में भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग होता क्या है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो लोग काम करते हैं डेली वो तो जानते हैं लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता देते हैं हम। शॉर्ट सेलिंग, एक स्टॉक आपके पास नहीं है लेकिन आप उसको भी सेल कर सकते हैं। राइट, जैसे एक चीज आप
लो पे खरीद के हाई पे सेल करते हैं और आपका बीच का जो गैप आपका हो जाता है प्रॉफिट, ऐसे आप किसी चीज को ऊपर बेच के और नीचे दोबारा ले सकते हैं, उसका बीच का जो गैप है वो आपका प्रॉफिट हो सकता है। राइट, यानी आपके पास एक चीज है, आपने वो खरीदी नहीं हुई शेयर्स, लेकिन आपने बेच पहले दिया। बिल्कुल, बेच आपने पहले दी, खरीद पहले खरीद के बाद में बेचना या पहले बेच के बाद में खरीदना बात एक ही है। राइट, तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो किसी शेयर को, उसमें आप सेल कर सकते हो। आपने 102 रुपए पे बेच दिया और जब वो 100 रुपए पे आया, 99 रुपए पे आया, आपने तब खरीद आपने खरीद लिया, तो वो 4 रुपए का गैप आपका प्रॉफिट हो गया। जैसे 99 पे लेके अगर आप 102 पे बेचो तो 3 का प्रॉफिट हो गया, 102 पे बेच के अगर आप 98 पे लेते हो तो 4 का प्रॉफिट हो गया। एग्जैक्टली, ये शॉर्ट सेलिंग होती है। इसी तरह से होता है टी टू टी सेगमेंट, कई बार कहा जाता है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब ये टी टू टी सेगमेंट में चला गया ये स्टॉक। देखिए एनएससी डालता है कई स्टॉक्स को, ट्रेड टू ट्रेड कौन सा सेगमेंट होता है, ट्रेड टू ट्रेड के अंदर वो स्टॉक्स होते हैं जो बहुत ही वॉलेटाइल हो जाते हैं कई बार, तो उनको इस सेगमेंट में डाल दिया जाता है। एक तरह का जेल कहते हैं हम इसको, ये जेल है, इसमें आप उस शेयर के अंदर ना इंट्राडे नहीं कर सकते। राइट, आप उसी दिन उस सौदे को काट नहीं सकते हो। आपने अगर कोई सौदा ले लिया तो उसका आपको डिलीवरी देना ही पड़ेगा, और अगर आपने कोई सौदा बेच दिया तो उसका डिलीवरी आएगा आपको। यानी ये एक्चुअली उन्हीं स्टॉक्स में होता है जिसमें वोलेटिलिटी बहुत होती है, यानी ऊपर नीचे। हाँ, उनको एक बार उस सेगमेंट में डाल देते हैं, फिर बाहर भी निकाला जाता है उसको, लेकिन इसमें आप इंट्राडे नहीं कर सकते। इसमें कोई भी ट्रेड एक दूसरे से स्क्वायर नहीं होगा, इंडिविजुअल ट्रेड ही ट्रेड होगा आपका, वो ट्रीटमेंट होगा उसका। हाँ बिल्कुल, उसका ट्रीटमेंट इंडिविजुअली होगा। राइट, क्योंकि जैसे इंट्राडे में हम करते हैं कि खरीद कर बेच दिया या फिर बेच के बाद में खरीद लिया, यहाँ सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, या तो खरीदा जा सकता है या फिर बेचा जा सकता है, ये होता है ट्रेड टू ट्रेड। जॉबिंग एक टर्म है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि अगर ये जॉबर्स कौन होते हैं, जॉबिंग होती क्या है। देखिए जैसे इसके नाम में है जॉबिंग, ये जॉब है, इसके अंदर जो जॉबर्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। वो सारा दिन एक ही स्टॉक में, दो स्टॉक के अंदर 20 पैसे 25 पैसे 1 रुपया 2 रुपया ऊपर लिया नीचे बेचा, नीचे बेचा ऊपर लिया, वो सारे दिन में ट्रेड तो हजारों करते होंगे, लेकिन प्रॉफिट वही 5,000 10,000 2,000 कमाते हैं। वो सारा दिन इकट्ठा करते रहते, जॉब करते रहते, 50 पैसे की 1 रुपए की, बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग का सिस्टम। यानी उन्हें ये नहीं पता था कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो सिर्फ एक मूवमेंट होता है, छोटा छोटा मूवमेंट होता है। स्टॉक अगर ऊपर भी जा रहा है तो वो 5 बार नीचे गिरेगा ऊपर जाएगा, वो उस 1 रुपए की 50 पैसे की मूवमेंट को भी लेने की कोशिश करते हैं। इनकी मूवमेंट टिक बाय टिक में भी होती है। बिल्कुल टिक बाय टिक, लेकिन ये बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं। एक्चुअली इसका पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है, पूरा ट्रेनिंग लिया जा सकता है इसका, और बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं जो ये काम को चाहते हैं करना और जो इस काम को करना जानते हैं एक्चुअली। राइट, तो ये हर आदमी नहीं कर सकता, बहुत स्पीड का काम है। राइट, हर आदमी नहीं कर सकता, बट हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को ये कॉन्सेप्ट पता जरूर होने चाहिए। एक इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम कई बार सुनते हैं, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स बोल रही है हेजिंग। बिल्कुल, हेजिंग का मतलब है आप अपनी एक चीज को दूसरे से हेज कर लीजिए। राइट, यानी कि एक चीज मैंने मान लीजिए फ्यूचर उठा लिया, उसका मैंने ले लिया, मान लीजिए मेरे पास कैश पड़ा है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है मेरे पास और मुझे लग रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीचे जा सकता है, लेकिन मैं अपना कैश का डिलीवरी छोड़ना नहीं चाहता हूं, तो मैं फ्यूचर में उसको सेल कर दूंगा, तो ये मैं हेज हो गया, मैंने अपने रिस्क को किसी दूसरी चीज से बांध लिया। अब अगर स्टॉक वो नीचे चला गया तो मेरे को लॉस नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास जो कैश का डिलीवरी पड़ा है वो भी नीचे जाएगा और फ्यूचर वाले में मुझे प्रॉफिट आएगा। अगर ऊपर चला गया तो कैश मेरे पास पड़ा ही है, तो मैं हेज हो गया एक तरह से। आपको कभी किसी चीज में रिस्क लगता है, आप उसको किसी दूसरी चीज से बांध के, ऑप्शंस भी ऐसे काम होता है, आपको पता है। Right. कि ऑप्शंस के अंदर जो काम होता है वो भी एक्चुअली हेजिंग के लिए ही होता है। हमारे पास में निफ्टी के अंदर कुछ बाय पड़ा है और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी नीचे जा सकता है, तो मैं निफ्टी का ऑप्शंस बाय करता हूं, पुट ऑप्शंस, कि अगर शॉर्ट टर्म में नीचे गया तो मुझे वहां से प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह से एक होता है आर्बिट्रेज, कई बार हम सुनते हैं कि दोनों इंडेक्स के बीच के जो डिफरेंस है उससे भी मुनाफा कमाया जाता है। बिल्कुल कमाया, ये आर्बिट्राजर भी जो होते हैं बहुत ही प्रोफेशनल लोग होते हैं एक्चुअली, और हर आदमी नहीं कर सकता जैसे आपको मैंने बताया। ये एक्चुअली किसी दो इंडेक्स के बीच में, दो स्टॉक्स के बीच में जो अलग अलग इंडेक्सेस में है, सेंसेक्स निफ्टी में, मान लीजिए एनएससी में आपने ले लिया एक स्टॉक को, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही रहेगा, चाहे एनएससी में हो चाहे बीएससी में। Exactly. हो, लेकिन किसी शॉर्ट टर्म के किसी ऑर्डर के कारण मान लीजिए बीएससी में प्राइस ऊपर चला गया सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए, तो आर्बिट्राइजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहां पर बाय करते हैं वहां पे सेल करते हैं, एक इंडेक्स पे खरीदते हैं एक दूसरे पे। हाँ, एनएससी पे बाय कर लिया, बीएससी पे बेच दिया, अगर यहां और वहां में डिफरेंस 3 रुपए का है तो दोनों पोजीशनें उनकी खड़ी हैं, यहां बाय की वहां सेल की, तो अल्टीमेटली वो प्राइस एक आ ही जाने वाला है, अभी आएगा 5 मिनट बाद आएगा 10 मिनट बाद आएगा आ जाएगा, वो दोनों सौदे एक साथ स्क्वायर करते हैं तो वो 3 रुपए का जो मुनाफा है वो उनको मिल जाता है। इसमें कोई रिस्क नहीं होता, इसमें आपको गैप खाना होता है एक्चुअली। आप जो बीच का गैप होता है दोनों इंडेक्सेस में
दोनों जगह एक शेयर ट्रेड हो रहा है उसमें, या फ्यूचर में भी हो सकता है, आप कैश भी फ्यूचर में कर सकते हैं, ये बहुत एक्सपर्ट का काम है। ट्रेडर जो बहुत सैवी ट्रेडर है, सैवी ट्रेडर हैं वही लोग करते हैं, वही लोग कर पाते हैं। इनफैक्ट ये छोटी छोटी टर्म्स है क्योंकि बहुत जरूरी होती है इन्हें जानना, क्योंकि हम आमतौर पर ये बातें सुन रहे होते हैं इसलिए जानते हैं कि एक छोटा सा एक बहुत क्विकली बहुत ब्रीफ में एक अगर हमारे व्यूवर्स को पता चल पाए इनके इनके एक्चुअली मतलब क्या होते हैं। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स को अगर इससे जुड़ी कोई क्वेरी है, इससे जुड़ा कोई उनका सवाल है, उनके मन में आता है तो जरूर हमसे पूछे। प्लीज फील फ्री टू मेल अस ऑन bazaarshastra@znetwork.com अगर आप भी किसी टेक्निकल कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होंगे और एक ऐसे ही इवेंट को, एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो को समझेंगे जो पूरी ब्रॉडर मार्केट से जुड़ी हुई है। जल्द वापस हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र और अब बात हो रही है एक ऐसे न्यूज इवेंट को समझने की, या फिर कहें कि एक ऐसे गिमिक को समझने की जो आमतौर पर हर बार हम सुनते हैं अपने आसपास। सुनील, कई बार हम सुनते हैं बाजार के जो एमेटर्स हो या फिर एक्सपर्ट हो, यानी ए टू जेड ये इस बीच के जितने भी लोग हैं, तमाम लोग हैं, जब आपस में मिलते हैं तो एक बात जरूर बोलते हैं, मार्केट कैसी लग रही है, बाजार कैसे लग रहा है यहाँ से। ये मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, किस तरह से देख रहे हैं बाजार को यहाँ से, बाजार अब कैसा लगा? अगर हम अपने इंडेक्सेस की बात करेंगे, निफ्टी की बात करेंगे, तो छोटा पिक्चर तो हम सब लोग जानते ही हैं, रोज बात होता ही रहता है टीवी पे, आप लोगों के साथ में चैनलों पे। जो बड़ा पिक्चर है मार्केट का, आपको वो समझाने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। देखिए, मार्केट 2003 में 900 से निफ्टी 6300 तक आ गया जी, 2008 में 6300 से 2200 तक आ गया, 2009 में 2200 से 6300 दोबारा आया, फिर अभी 4500 आया और अभी हम दोबारा 5800-900 के आसपास 5800 के पार देख रहे हैं। इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे चार्ट को समझिए क्या है, मैं आपको चार्ट पे समझाऊं? जी बिल्कुल, इंडीड इससे बहुत क्लैरिटी मिलती है व्यूवर्स को। देखिए, ये एक चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है, हम यहां से चले, हम यहां तक आए, फिर हमने एक ये करेक्टिव पार्ट देखा, फिर हम यहां तक आए, फिर हम यहां तक आए और अभी हम यहां हैं। ये हमने पहले एपिसोड्स में बात किया है कि प्राइस वाइज करेक्शन होता है और टाइम वाइज करेक्शन राइट होता है। तो देखिए, निफ्टी यहां से चल के जो यहां तक आया था, ये 5 साल का पीरियड था हमारा। इस 5 साल के पीरियड में हमने किसी भी समय एक भी बार कोई मीनिंगफुल करेक्शन नहीं लिया था, बीच में हल्का हल्का डिप लिया था बीच में। तो 2008 में हमें एक ये अच्छे साइज का करेक्शन देखने को मिला, बड़े साइज का, ये प्राइस वाइज करेक्शन हो गया। अब ये जो एरिया चल रहा है, जो हम देख रहे हैं, आप पूरे एरिया को देखिए, हमारा ट्रेंड अभी भी अप है। अप ट्रेंड का पहला साइन हमने बोला है कि लो नहीं कटने चाहिए पुराने, पुराना वाला लो हमारा जो मेन लो बना है वो ये है राइट। इससे पीछे हमारा ये हायर लोस क्रिएट किया है हमने, अभी फिर हमने हायर लो क्रिएट किया है, यानी कि ट्रेंड हमारा अप है। हम एक ब्रॉडर टाइम वाइज करेक्शन की जोन में हैं। 2008-09 में जब हम नीचे आ रहे थे, तब भी हमारा व्यू था कि हम 4-5 साल यहां से कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है, हम यहीं पे ही रहने वाले हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो ट्रेंड आया है उसको एब्जॉर्व करने में भी टाइम लगता है राइट। तो अभी हम, हमने जो भाव में करेक्शन होना चाहिए था वो देख चुके हैं हम मेजरली। 2200 तक हम आ गए तो हमने वो करेक्शन देख लिया, अभी हम टाइम वाइज करेक्शन की जोन में हैं और हम टाइम वाइज करेक्ट कर रहे हैं। मार्केट अपने 6300 के हाई के ऊपर भी एक बार जा सकता है, टेम्परेरी। बिल्कुल, इस तरह की बातें भी, इनफैक्ट कि बजट के आसपास तक मार्केट से 6400 के आसपास देखने को मिल सकती है। देखिए, बजट के आसपास जाएगा, 5 महीने में जाएगा, मार्केट को टाइम कोई नहीं कर सकता राइट। टाइम करने की कोशिश हम ना करें तो ज्यादा बेटर है, हम ये देखें कि क्या हो सकता है, वो कब होगा ये हमें नहीं पता। हो ये सकता है कि मार्केट एक बार 6300 का अपना हाई है उसके आसपास जाए, उसको क्रॉस भी कर सकता है 2-5% ऊपर, लेकिन डिसाइसिवली उसके ऊपर निकल जाएगा अभी जल्दी से,
उसका आशा मुझे नहीं है, मुझे पर्सनल, ये मेरा पर्सनल व्यू है, चार्ट हमें जो बोल रहे हैं जल्दी से इसके ऊपर निकल जाएगा, इसका आशा हमें नहीं है। अभी मुझे ऐसा लगता है हम कम से कम साल से डेढ़ साल एक इसी ब्रॉडर जोन में रहने वाले हैं, एक जोन में फंसे हैं। और एक बात प्रियंका जी यहां मैं और बोलना चाहता हूं आपके व्यूअर्स के लिए, देखिए मार्केट का इंडेक्स जो है उसमें सिर्फ 40-50 स्टॉक होते हैं, मार्केट में 5000 स्टॉक ट्रेड होते हैं, आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ये मार्केट जो है ये स्टॉक को जो चुनना जानते हैं उनको रिवॉर्ड देती है। आप सोचिए कि मल्टी बैगर्स जो हैं वो एक्चुअली इन्हीं मार्केटों में निकलते हैं। जब लोग ध्यान, लोग कहते हैं बाजार तो कहीं जा नहीं रहा, बाजार तो कहीं जा नहीं रहा, अरे अब बाजार को आपने करना क्या है, स्टॉक तो जा रहे हैं और स्टॉक ही तो बना रहे हैं इस बाजार, स्टॉक ही तो बना रहे हैं उस बाजार को। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनफैक्ट सारे सेक्टर्स की अगर हम मूवमेंट देखें तो उसमें एक रैली अप ट्रेंड की बनी हुई है, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनके अपने कंसर्न्स हैं। मार्केट ऑलरेडी हाई पे है, ऑलरेडी हाई पे है, हम सिर्फ 2-3 स्टॉक जिनका वेटेज ज्यादा है उनकी परफॉर्मेंस नहीं आने की वजह से हमें आज 5800 दिख रहा है, नहीं तो हमें ये 6500 दिख रहा होता। क्या लग रहा है कि बुल मार्केट वैसे होगी कब, क्या ये टाइम वाइज करेक्शन के बाद ये जो एक रेंज जो आप देख रहे हैं उसके बाद होगी? देखिए इंडिया का बुल मार्केट बहुत बड़ा है, मैंने जैसे आपको बोला जो हमें चार्ट बोल रहे हैं आज की डेट में वो चार्ट ये बोल रहे हैं कि शायद हमारा सेंसेस किसी दिन 1,00,000 भी हो सकता है। That will be very surprising. नहीं, surprising नहीं है, ये होगा जरूर, लेकिन कब होगा वही ना, टाइम हम नहीं कर पाएंगे लेकिन होगा जरूर। तो that means in nutshell, हम बाजार को तो देखते हैं, इंडेक्स को तो देखते हैं, लेकिन हमारे को यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस लेने होंगे, आप अपने स्टॉक्स पर नजर बनाएं और उनकी मूवमेंट को ट्रैक करें। बिल्कुल, आपका स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो आपको क्या फर्क पड़ता है निफ्टी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है उसे, अगर M&M नए हाई बना रहा है तो मुझको क्या फर्क पड़ता है निफ्टी चल रहा है नहीं चल रहा। लोगों को इसी चीज से फर्क पड़ता है, बोले नहीं सर मार्केट नहीं चल रही, मार्केट अपने चलने से पहले बहुत सारे स्टॉक्स के नए हाई बनने शुरू हो जाते हैं, वो हो रहे हैं अभी, तो आपको वही चीज, चलिए आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा और आपको यही करना है, आपको प्रॉफिट पर राइड करना है, यानी अपने स्टॉक के जो जो आपका स्टॉक जो अप ट्रेंड में है जो आपको मुनाफा देते जा रहे हैं उस पर राइड कीजिए, यही हम लगातार बात कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ आया होगा और शायद ये दुविधा जो है लोगों के माइंड में जो डाउट है ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जरूर मिला होगा। शुक्रिया सुनील शो में बने रहने के लिए, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने लेकर आएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।